तो दोस्तों, शाहरुख खान बड़े पर्दे से दूर है। उन्हें आखिरी बार बड़े पर्दे पर साल 2023 में देखा गया था। ऐसे में फैंस उन्हें और उनकी फिल्मों को मिस कर रहे हैं। जब साल 2023 के कैलेंडर में शाहरुख खान की किसी भी फिल्म का कोई नाम नहीं था, तब उनके फैंस उम्मीद करने लगे कि साल 2025 में शायद उन्हें शाहरुख खान की कोई फिल्म देखने को मिले। हालांकि अब तक हुई अनाउंसमेंट के मुताबिक साल 2025 में भी शाहरुख खान की कोई फिल्म रिलीज नहीं होगी। वह सीधे साल 2026 में किंग के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। आइए आपको इस फिल्म के बारे में बताते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। ने स्विट्जरलैंड में हुए 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था, मेरे पास आइसिंग मशीनों से भरे दो बैग है। एक्शन सीन के बाद मेरी हालत इतनी खराब हो जाती है कि कोई मेरी पीठ दबा रहा होता है तो कोई मसाज दे रहा होता है। मुझे चलने में भी परेशानी होने लगती है और फिर अचानक आपके फैंस आपको दिख जाते हैं और आप उन्हें फ्लाइंग किस दे रहे होते हैं। बता दें, इस फिल्म के लिए शाहरुख खान ने अपना वजन कम कर लिया है। वही किंग मूवी कब रिलीज होगी, ये सवाल हर एक किंग फैंस के मन में है। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग साल 2026 में रिलीज होगी। अभी तक फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। इसकी रिलीज डेट शाहरुख खान के 59वें जन्मदिन यानी 2 नवंबर को अनाउंस की जाएगी। वही हाल ही में एसआरके की दूसरी फिल्म पठान 2 पर भी अपडेट सामने आया था। फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर अब्बास टायरवाला ने खुलासा किया है कि पठान 2 पर काम शुरू हो चुका है। अब्बास ने एक इंटरव्यू में यह बात बताई कि फिल्म की स्क्रिप्ट लगभग पूरी हो चुकी है और अब इसके डायलॉग पर काम होना है। गौरतलब है कि पठान के निर्माताओं ने पहले ही फिल्म के सीक्वल को पहले ही हरी झंडी दे दी थी। इस फिल्म में शाहरुख खान रॉ एजेंट पठान के रूप में अपनी भूमिका फिर से दोहराते दिखेंगे। वही एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की वापसी की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के सीक्वल का डायरेक्शन नहीं करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पठान 2 का डायरेक्टर कौन होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डायहार्ट फैन है तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।